फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड की यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे कटलेट, गुलाब जामुन के जो कटलेट होते हैं आज हम वही बना रहे, बहुत ही सिंपल तरीके से, यूनिक तरीके से। और मैं आपको डिफरेंट कलर्स उसमें ऐड करना भी बताऊंगी। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल है उसे बनाना। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ली हूँ, इसके अलावा भी हमें कुछ और चीजों की जरूरत होंगी। जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको 1 किलो मावा से कटलेट बनाना बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो मावा के लिए 1 किलो शक्कर ली हूँ। यहाँ पर कुछ मैंने केसर ली हूँ और थोड़ी सी इलायची ली हूँ, 8-10 इलायची। इलायची और केसर हम शक्कर का जो पाक बनाएंगे यानी जो चाशनी बनाएंगे उसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम चाशनी बना, आइए अब हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक बर्तन रखी हूँ गर्म के लिए। इसमें हम जो चीनी लिए हमने वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी ली हूँ यानी मैंने कप से 5 कप के आसपास चीनी ली हूँ। यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ, ये देखिए। और ये जो हमने इलायची लिए थे इसे आप चाहे तो पाउडर बनाकर डाल दीजिए या फिर इसे डायरेक्टली फोड़कर भी डाल सकते हो। हम इसे फोड़कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने इलायची फोड़कर ले आई हूँ और ये जो केसर के रेशे ये भी हम इसमें अभी ही ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने कूट कर लाई हूँ, ये इलायची हम ऐड करेंगे और ये केसर। इस तरह से इसे एक बार हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने तक, जो चीनी है हमारी उसे मेल्ट होने तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमारी चाशनी रेडी होती है तब तक हम गुलाब जामुन के कटलेट के लिए यहाँ पर जो मावा है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्लेट ली हूँ, इसमें हम ये जो मावा है वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 किलो मावा के लिए मैं यहाँ पर 1 कप मैदा डाल रही हूँ, ये देखिए, ये नजदीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 कप है, आप ये देख सकते हो। अब ये हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मैदा मैंने छान कर यूज की हूँ। 1 कप डालने के बाद हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून प्लस डालेंगे, ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून है, ये 1, ये 2। आप देख सकते हो मैंने जो चम्मच वगैरह कप का माप ली हूँ, मेजरमेंट ली हूँ, इस तरह से मैंने फ्लैट करके ली हूँ। देख सकते हो आप, मैंने इस तरह से भर कर नहीं ली हूँ, ये देखिए। इस तरह से मैदा हम डाल चुके हैं। मैदे के बाद हमें इसमें बेकिंग पाउडर जो होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने 1/2 टीस्पून ली हूँ, ये देख सकते हो आप, ये भी मैंने इस तरह से फ्लैट करके ली हूँ, ये देखिए, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो मेजरिंग बता रही हूँ मैं आपको मेजर्स, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे बिल्कुल फटेंगे नहीं और फूले फूले एकदम टेस्टी बनकर रेडी होंगे, ना ही बीच में से इसके गाटे वगैरह रहेंगी। मैं आपको दिखाऊंगी और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब यम्मी लगते हैं। यहाँ पर अभी हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से ये जितना भी मैदा है हम इससे मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा मावा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी हमें इसमें कलर ऐड करना है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लेन भी, व्हाइट कलर के भी जो कटलेट है वो बना सकते हैं, लेकिन जो कटलेट होते हैं उसे हम कट करते हैं तो अंदर जो कलर होता है वो हमें दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कलर वाले बताऊंगी। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी स्टफिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कलर वाले कटलेट बनाकर बताऊंगी। यहाँ पर ये जो मावा है हमारा, हम इसमें से सिर्फ थोड़ा सा लेंगे, जितना हमें एक कटलेट के लिए चाहिए उतना लेंगे हम, और बाकी का हम सभी इसमें से साइड में कर देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इतना हमें एक कटलेट के लिए मावे की जरूरत होगी। अभी हम इसमें कलर डालेंगे। कलर डालने से पहले हमने इसे सिर्फ मैदा इसमें मिक्स किए, बिल्कुल भी इसकी मालिश नहीं की अभी, इसलिए अभी हम पहले से थोड़ा सा हथेली जो होती है हमारी, ये वाला जो पार्ट होता है, इससे हम इसे थोड़ा सा अच्छे से इसकी मसाज करेंगे, मालिश करेंगे।
इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए यहां पर हमने इसकी थोड़ी थोड़ी मसाज अच्छे से कर चुके हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए यहां पर हमने जो हमारा मावा है उसकी अच्छे से मसाज कर चुके हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए मैं आपको नजदीक से भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट कर दिए हमने। ये देखिए पहले वाला जो है हम वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो पहले वाला मावा है ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये कितना फटा, देख सकते हो आप इसमें कितनी चीर वगैरह हो रही है, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप ये कितना फटा फटा है। और ये जो अभी हमने इसकी मसाज की ये देखिए आप कितना फर्क है। हमें इसी तरह से इसकी मसाज अच्छे से करनी है। अभी हम इसमें क्लर ऐड करेंगे, क्लर आप अपनी मर्जी का डाल सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे इस तरह से थोड़ा सा फैला देंगे और यहाँ पर मैं रेड वाला क्लर यूज कर रही हूं। इस तरह से हम पहले थोड़ा डालेंगे फिर इसे हल्का हल्का इस तरह से रोल करेंगे। इस तरह से इसे हमें मिलाना नहीं है, इसे सिर्फ हमें रोल करना है इस तरह से। देखिए बस अब हम इसे का जो रोल होता है वो रेडी कर लेंगे। देखिए देख सकते हो आप इस तरह से हमें इसका रोल करना है। अब हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके दो कटलेट के लिए रोल रेडी कर चुके हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर मार्बल शेप, मार्बल जो इफेक्ट होता है वो आता है हमारे जो कटलेट है कटिंग के बाद। अभी हम इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल रखेंगे गर्म के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने ऑयल गर्म के लिए रखे थे, मैं यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ऑयल ही गर्म के लिए रखी थी। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन जो फ्लैट होता है उस तरीके का एक बर्तन मैंने रखी थी। ये देखिए इस तरह से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, देख सकते हो आप। ये देखिए इस तरह से मैंने एक टूथपिक डाली हूं, ये देखिए बस हमें इतना ही हॉट ऑयल चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये जो हमने रोल बनाकर रखे है ये देख सकते हो आप कटलेट के, ये इसमें डाल देंगे। ये दूसरा रोल भी हम इसमें डाल देंगे, देख सकते हो आप किस तरह से बबल्स आ रहे। ज्यादा हॉट ऑयल नहीं है हमारा, बिल्कुल मीडियम है, मैंने आपको दिखाई थी। अब हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इस गैस की फ्लेम बिल्कुल अभी लो पर रखी हूं मैंने और इसे हम अभी बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। एक से डेढ़ मिनट तक इसे ऐसे ही सेट होने देंगे फिर हम इसे टर्न करेंगे और इसे हमें जितना ज्यादा आपको क्लर चाहिए आप उतना डार्क होने तक इसे फ्राई कर सकते हो। क्योंकि जो कटलेट होता है उसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर वो खाने में थोड़ी सी हार्ड होती है, तभी उसका खाने का मजा आता है। वरना जो आप गुलाब जामुन खाते हैं उसकी जो लेयर होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए। लेकिन कटलेट जो होते हैं उसकी जो लेयर होती है आउटर वो थोड़ी सी हार्ड अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर हार्ड लेयर बनाऊंगी। अभी हम इसे कुक होने देंगे, फ्राई होने देंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैक्सिमम हमें 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि हमें इसे फास्ट आंच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। इसे हम बिल्कुल मीडियम टू लो पर ही फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कितना टाइम प्रॉपर लगा है, मैं आपको वो भी बता दूंगी इंशाल्लाह।
ये देख सकते हो आप, अभी एक मिनट के आसपास हो चुका है, मैं इसे टर्न करती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, और फूल कर साइज में बहुत अच्छे हो जाते हैं, और खाने में अंदर से बहुत ही टेस्टी यम्मी लगते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर रेड कलर डाली हूँ। मैं आपको, अगर आपको इसमें ग्रीन डालना है, येलो डालना है, ऑरेंज डालना है, जो डालना है आप अपनी मर्जी से इसमें कलर ऐड कर सकते हो। ये जो ऊपर का लेयर होती है ये कलर की नहीं दिखाई देती, लेकिन जब हम इसे कट करेंगे अंदर से तब हमें ये जो कलर होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसी तरह से ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से हमारे जो कटलेट के रोल है वो अपने आप, ये देखिए कितने अच्छे से टर्न हो रहे हैं ऑयल में। ये इवनली अच्छे से कुक होंगे, हमें इसे ज्यादा बार बार टर्न नहीं करना है, सिर्फ हमें बीच में अगर जरूरत लगती है तो इस तरह से हम ऑयल को इस तरह से टर्न करेंगे। ये जो कटलेट हमारे अपने आप टर्न होते जाएंगे और अपने आप सभी तरफ से इवनली फ्राई होंगे। अभी हम दूसरे जो हमारे कलर के वो रेडी करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी हम येलो कलर के मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसकी मसाज करेंगे थोड़ी सी। अगर आपको मावा थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा इस तरह से, तो इसमें हम एक टेबल स्पून या फिर टी स्पून के आसपास पानी डालेंगे। कभी कभी मावा सॉफ्ट आता है, कभी कभी मावा थोड़ा सा हार्ड आता है, इसलिए ये देखिए अभी हम, आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हो। मैं कभी दूध का यूज करती हूँ, कभी पानी डाल देती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको दूध ही यूज करना है या फिर पानी यूज करना है। ये देखिए हमारा जो मावा है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अभी सॉफ्ट जब हो जाएगा मावा हमारा, तो ये जब हम इसे रोल करेंगे तो ये फटता नहीं है और बहुत अच्छे से इसे जिस भी शेप में हम रोल करते हैं वो बिल्कुल क्लियर शेप बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मावा है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप। अभी बिल्कुल भी इसमें दरारें नहीं है कहीं पर भी। अभी हम इसमें कलर ऐड करेंगे। पहले मैंने आपको पिंक डार्क जो होता है वो कलर, यानी रेड के आसपास का जो कलर होता है वो डालकर बताई थी, अभी हम येलो डालेंगे। देखिए जो येलो, ये लेमन कलर होता है वो लियो मैंने अभी। अभी हम इसे, हमें इसे मिक्स नहीं करना है, जो जिगजैग होता है जेब्रा वो इफेक्ट हमें इसमें लाना है, मार्बल जो इफेक्ट होता है, इसलिए बस इसे हमें इस तरह से हल्का हल्का रोल करते जाना है। अभी हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। आप येलो की जगह ग्रीन, ऑरेंज, जो भी आपको कलर चाहिए आप वो ले सकते हो। यहाँ पर इस तरह से मैं इसे हाफ कर लेती हूँ ताकि जो बनाने में हमें रोल है वो इजी हो जाए। ये देख सकते हो आप, ये जो लास्ट के कॉर्नर ऐसे होते हैं, इसे हमें अच्छे से प्लेन करना है। ये देखिए, पहले हमें इसका एक रोल बना लेते हैं। ये जो साइड्स होती है इसे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, और ये जो ये देख सकते हो आप, इस तरह से हमें इसे एडजस्ट करना होता है। ये देखिए हमारा एक रोल रेडी हो चुका है, अभी हम इसे कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इतना बड़ा भी फ्राई कर सकते हो, अगर आपका बर्तन बड़ा है तो आप उसमें ये भी इतना बड़ा रोल भी फ्राई कर सकते हो, क्योंकि हमें इसे तो कट ही करना है कटलेट को। ये देखिए हमारे इस तरह से रोल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और आइए जो हमारे कटलेट डाले हुए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देख सकते हो आप, ये देखिए कटलेट की साइज। मैं आपको साइड में लगाकर भी बता दूं कि जब हमने कटलेट डाले थे उसकी कितनी साइज थी, और ये फूल कर कितने माशाल्लाह से कितनी अच्छी साइज ले चुके हैं। अभी ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए, ये देख सकते हो आप। ये जो कलर है, ये जो डार्क वाला, हमें इससे भी ज्यादा वाला कलर चाहिए, इसलिए मैं इसे और अच्छे से फ्राई होने दूंगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर रखी हुई मैंने, अभी तक एक बार भी इसे हाई पर नहीं की हूं। और ये देख सकते हो आप, इसी तरह से मैं इसे बीच बीच में इस तरह से ऑयल को टर्न कर रही हूँ, और ये अपने आप राउंड होकर अपने आप पूरी तरह से कुक हो जाएंगे। इसी तरह से हम सभी कटलेट के जो रोल्स है उन्हें फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए ये बिल्कुल भी एक तार की, ये एक तार की चाशनी नहीं है, बस जो हाथ पे इस तरह से हम जब लेते हैं तो हाथ पे हमारे चिपचिपा फील होता है, बस उतनी ठीक हमें चाहिए चाशनी। गैस की फ्लेम मैंने बंद की हूँ, अभी हमें चाशनी को हल्का हल्का गर्म ही रखना है। जब हमारी चाशनी गर्म होगी तभी हम जो हमारे कटलेट है वो उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो कटलेट है ये देख सकते हो आप, बिल्कुल माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे कलर आया है, ये देख सकते हो आप। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो। और थोड़ी देर इसे इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। मैं यहाँ पर अभी इसे निकाल देती हूँ, मुझे इतना ही डार्क चाहिए। अभी हम इसे निकालते हैं और इसे डायरेक्टली इसी तरह से हमें पाक में डालना है। देख सकते हो आप, मैं आपको पाक में भी डालकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी कटलेट है बिल्कुल भी ऑयल नहीं चूस रहे, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ऑयल नहीं है इसमें। अभी हम इसे डायरेक्टली पाक में डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से पाक हमारा गर्म है, पाक भी, और यहाँ पर जो हमारे कटलेट है वो हमने डायरेक्ट ऑयल से निकालकर इसमें डाल दिए। अभी ये ऊपर तिर रहे, जब ये पाक चूस लेंगे तब ये नीचे बैठ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इसे हमें पाक में 10 मिनट तक इसी तरह से कम डूबे रहने देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी इसी तरह से पाक में डूबे हुए छोड़ सकते हो, फिर उसके बाद हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर एक बैच हमने निकाल चुके हैं, वो रेड कलर में मैंने आपको दिखाई थी। अभी यहाँ पर मैं आपको फिर से दूसरी बैच जो है वो भी तलकर फ्राई करके बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से ग्रीन वाले भी बनाई हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर थोड़े से मैंने येलो वाले बनाई हूँ, ये देख सकते हो आप। हम सभी इसमें डाल देंगे, आप देख सकते हो इनका जो शेप है ये देखिए कितने साइज के, और ये जब फ्राई होते तब भी आप देख सकते हो कितने फूल जाते, देखिए। अभी हम इसे इसी तरह से बिल्कुल लो गैस की फ्लेम पर है, मैंने बिल्कुल भी हाई नहीं की हूँ, ये बिल्कुल लो पर ही फ्राई हो रहे हैं। अभी हम इसे बिल्कुल भी लाएंगे नहीं, जैसे हमने पहली बैच फ्राई किए थे उसी तरह से हम सभी को फ्राई करके रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे कटलेट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैंने इसे पाक में से यानी चाशनी में से निकाल कर ले आई हूँ। ये अभी बहुत गर्म है फिर भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर इसे हम एक तरफ साइड में करेंगे और एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए। ये देखिए ये येलो कलर वाला है, ये देख सकते हो, ये देखिए कितना अच्छा, अंदर से बिल्कुल भी कैसे भी गाटे वगैरह कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए। अभी यहां पर मैं आपको दूसरा कलर भी कट करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो आप, ये रेड में, ये जो हमने मार्बल इफेक्ट लाए थे वो देख सकते हो आप किस तरह से दिखाई देता है कट होने के बाद, ये देखिए ये रेड कलर में जो हमने बनाए थे ये वो है। यहाँ पर मैं आपको और कट करके दिखा देती हूँ, आप जितने भी पीसेस कट करोगे या चेक करोगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे जितने भी कटलेट्स वगैरह सब इवनली अच्छे से कुक हुए। ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लाइट डार्क का शेड अंदर से दिखाई देता है, मार्बल इफेक्ट, बहुत टेस्टी खाने में लगते हैं। एक बार जरूर इस तरीके की रेसिपी, मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। ये जो है मैं गारंटी देती हूँ आपको, आप चाहे 10 किलो के बनाइए या फिर जितने आपको बनाने बनाइए, इस रेसिपी से अगर आप बनाओगे तो आपका एक भी कटलेट बिल्कुल भी फेल नहीं होगा और ना ही आपका जो सामान होता है वो वेस्ट होगा। खाने में सभी आपकी तारीफें करते, नहीं थकेंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ, इसके पहले भी मैंने कई बार कई किलो ये जो कटलेट है मैंने बनाकर सेल की हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो खाने में सभी को बहुत टेस्टी पसंद आते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, अपने घर वालों के लिए अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो दिल से गुजारिश करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली इसी तरीके की न्यू और यूनिक रेसिपी आपको देखने को मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में जरूर याद रखिए। मिलूंगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।